नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दुर्गा नवमी महानवमी की हार्दिक बधाई है तथा शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों गणपत फिल्म तो बिल्कुल ही बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं है, माता जी की कृपा भी इस फिल्म पर नहीं हुई है। फिल्म को इतने बुरे रिव्यू दिए गए, रोस्टेड रिव्यूज दिए गए और लोगों ने शायद पहले से ही मन बना लिया था। हालांकि फिल्म इतनी बुरी नहीं थी दोस्तों, मैं अभी भी कहूंगा। और मेरे जैसे कई मैंने ऐसे क्रिटिक्स के रिव्यूज देखे हैं जिनको फिल्म ठीक ठाक लगी है, एंटरटेनिंग लगी है। ऐसी बात नहीं है कि फिल्म इतनी बुरी है, इतने बुरे कलेक्शन नहीं आने चाहिए थे। पता नहीं क्या बात हुई है, तो पब्लिक है, पब्लिक ही बता सकती है, जनता ही बता सकती है, क्रिटिक्स कुछ भी बोले, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर सुपर फ्लॉप हो चुकी है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। क्योंकि पहले दिन अगर 200 करोड़ की फिल्म अगर 2.5 करोड़ की ओपनिंग ले तो उसी समय आप कहते हैं बिना लिफाफा खोले ही खत का पता चल जाता है, तो वो पता उसी दिन चल गया था, पहले दिन ही 2.5 करोड़ का। और दोस्तों दूसरे दिन उम्मीद थी कि शनिवार है तो फिल्म थोड़ा कलेक्शन बढ़ा लेगी अपना, लेकिन फिल्म ड्रॉप हुआ, कलेक्शन ड्रॉप हुआ, 2.25 करोड़ पे आ गई दूसरे दिन। तो इससे फिर ये बात पुख्ता हो गई कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली है। तीसरे दिन संडे था तो सभी ने कहा भाई संडे है, संडे को तो फिल्म जरूर ग्रोथ करेगी, लेकिन संडे को फिल्म का कलेक्शन लगभग शनिवार के बराबर ही आया, 2.25 करोड़, 2.28 करोड़ की रिपोर्ट मेरे पास है। तीन दिनों का लगभग 7 करोड़ हुआ। कल के लिए कहा गया कि शायद वो भारत न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का मैच था इस कारण कलेक्शन में ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन दोस्तों वो कोई कारण नहीं था, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना कम थोड़ी आना चाहिए कलेक्शन। तो कुल मिलाकर के तीन दिन का करीब 7 करोड़ के आसपास हुआ। कल की थिएटर ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो की 8.35%, आफ्टरनून 11.34%, इवनिंग शो 11.99%, नाइट शो 10.60%। जो फिल्म 2500 स्क्रीन पे चल रही हो, मुंबई दिल्ली NCR में 800 से ज्यादा, कई जगह 700 से ज्यादा है, कई जगह 900 के आसपास शोज है, वो फिल्म अगर ऐसा कलेक्शन करे तो दोस्तों फिर उसको सुपर डिजास्टर करना ही उचित होगा, ऑल टाइम डिजास्टर भी आप बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर के 8.36 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म का हुआ है, और अब मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में 15 करोड़ से ज्यादा या मैक्सिमम 20 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। अभी तो उम्मीद यही है कि मैक्सिमम 20 करोड़, क्योंकि आज तो मंडे वर्किंग डे, तो आज तो डेफिनेटली फिल्म का कलेक्शन बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। हालांकि कई जगह छुट्टी भी है आज महानवमी की, तो ठीक है देखते हैं। करीब अभी तक तो शुरुआती प्रेडिक्शन है वो 1.30 करोड़ से 1.40 करोड़ की रेंज में आ रहा है कि फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों गणपति फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल हुआ है। क्यों हुआ है? क्या टाइगर श्रॉफ के एक्शन से लोग एक ही एक रिपीटेड एक्शन आ रहा है उसको देख करके मतलब लोगों का दिल भर गया है, या उनकी एक्टिंग में दम नहीं है, या अमिताभ बच्चन को भी कोई ऐसा लुक नहीं दिया गया है, ऐसा कोई उनका जबरदस्त रोल नहीं दिया गया, छोटा ही रोल है। हालांकि उनको भी मैंने कल भी कहा था कि रजनीकांत सर की तरह एक सेंट्रल कैरेक्टर का एक जबरदस्त कैरेक्टर के साथ फुल फ्लेश्ड रोल में आना चाहिए, जबरदस्त एक्शन के साथ आना चाहिए, लेकिन वे अभी तक एक साइड रोल की तरह उनका रोल दिया गया, उससे भी शायद लोग देखने नहीं गए, कुछ नाराजगी भी है, कुछ और भी कई कारण रहे। लेकिन फिल्म को दर्शकों ने एक तरीके से बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, टोटल रिजेक्शन आप बोल सकते हो कि फिल्म को टोटल रिजेक्शन मिला है, और एक बहुत बड़ा झटका है। सेकंड पार्ट बनानी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कहा था हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, अब कोई भी जरूरत नहीं सेकंड पार्ट बनाने की, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट हिट होता है तो ही सेकंड पार्ट बनाने के बारे में सोच जाता है। टाइगर श्रॉफ को सोचना होगा कि उनको किस प्रकार की फिल्में करनी है, केवल एक एक तरह के एक्शन करके भी वो ऐसे स्टार्टिंग में साधन के कुछ एक्शन कुछ अलग थे उनके, लेकिन खैर जो भी हो गणपत इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक फिल्म गिनी जाएगी, यह अब निश्चित हो गया है। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलेगा।